छह दिन के अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीयों के बीच स्पीच दी है। 40 मिनट की स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने बयान दिया कि वो भगवान को भी दुनिया चलाना सिखा देंगे, भगवान भी चौंक जाएंगे कि ये मैंने क्या बना दिया। राहुल मंगलवार की शाम को अमेरिका पहुंचे थे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर राहुल का स्वागत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और IOC के अन्य सदस्यों ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल को इमिग्रेशन क्लियरेंस के लिए एयरपोर्ट पर 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस दौरान जब लोगों ने उनसे पूछा कि वह लाइन में क्यों खड़े हैं तो उन्होंने कहा, मैं अब आम आदमी हूँ, मैं अब सांसद नहीं हूँ। इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। राहुल गांधी ने कहा, मैंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल मार्च शुरू किया। यात्रा के दौरान हम जान रहे थे कि राजनीति में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इस तरह की बातचीत और पब्लिक मीटिंग काम नहीं आ रही थी। सभी चीज़ें जिनके हमें राजनीतिक में ज़रूरी थी उन्हें भाजपा और संघ ने कंट्रोल कर रखा था। लोगों को डराया जा रहा था, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा था, हमें राजनीति करने में मुश्किल आ रही थी और ऐसे में हमने श्रीनगर तक यात्रा का फैसला किया।